नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो इंडियन सोशल वॉइस न्यूज और आपके साथ हूं मैं भरत वाणिका। साथियों, गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है और पानी की समस्याएं राजस्थान के हर जिले और क्षेत्र में बढ़ रही है। साथियों, अभी मैं रानीवाड़ा उपखंड क्षेत्र के हिरपुरा गांव में मौजूद था और अभी यहाँ की जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय है वहां पर भी पानी की समस्या है और इसको लेकर स्कूल में भी पानी नहीं आ रहा और गांव में भी पानी नहीं आ रहा है। तो हिरपुरा ग्रामवासी, आप देख सकते हो सीधा तस्वीर में, ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और पानी की समस्या के समाधान के लिए आज मौके पर सरपंच प्रतिनिधि राधेश श्याम जी को भी बुलाया है और पहले इनसे जाते हैं कि भाई ये समस्या वर्तमान समय में क्यों आ रही है और जो नर्मदा प्रोजेक्ट है वो उसका अभी क्या धरातल पर सही उपयोग नहीं हो पा रहा है या पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, पानी कम है, पहले हम जानते हैं सरपंच साहब से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर, जो वर्तमान में जो ग्रामीण टिकते हुए हैं तो मेन समस्या पानी के मुद्दे पर है, स्कूल में पानी नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पर एक छोटी सी गौशाला वहाँ पर भी पानी नहीं आ रहे हैं, तो अभी ये समस्या देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से हर घर को नल और हर घर जल का जो स्कीम चल रही है, जेजे मिशन जिसको कह रहे हैं, उसके तहत मेरी ग्राम पंचायत गांव में चारों गांव सीमनगढ़ हिरपुरा मडाडी में जो लाइन बिछाने का और घर घर नल देने का जो कार्य था वो लगभग पूर्ण हो चुका है। उसमें हमने वापस पानी की सप्लाई भी स्टार्ट कर दी है, लेकिन कुछ जगहों को छोड़ के पानी की प्रॉब्लम, पानी पहुंच नहीं पा रहा है। कोई काफ़ी ऊंचाई में है ढाणिया, कहीं ऐसी जगह है जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है। विशेष करके समस्या हिरपुरा गांव में ज़्यादा आ रही है क्योंकि वहां पे जो बड़ी ऐसा टंकी भी बनी हुई है वो टंकी हिरपुरा और पाल जो मेरी ग्राम पंचायत के पास में ही गाँव है उनके संयुक्त रूप से दो गाँवों के मिक्स सामलात है। तो हिरपुरा में मेन समस्या हम 15-20 दिन से जो जेजे मिशन की पूरी टीम हमने प्रयास किया, कहीं लैन भी चेक की क्योंकि फर्स्ट टाइम में पानी पहुंचा था, उसके बाद पानी वापस सुचारू रूप से सप्लाई नहीं हो पाया था। तो उसके लिए समस्या के लिए हमने गांव वालों को इच्छा करके कि भाई क्या इसका रास्ता किया जाए क्या, तो उनका अच्छा सहयोग आज मिला है। मुझे पूरा गांव 36 कौम के जो भी बंधु हैं, घर हर घर से आज यहां पे मंदिर में इकट्ठा हुए हैं और इसके हमने ये निर्णय लिया कि एक स्थानीय आदमी या सब लोगों ने मिलकर दिया है वो ही व्यक्ति टंकी पानी की सप्लाई करेगा और जो भी पानी वितरण की है समस्या उसको हम सॉल्यूशन करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से जेजे और नर्मदा विभाग को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा पानी में, एक तो परमानेंट बड़ी टंकी में पानी हर रोज देते रहें, ठीक है, उसके बाद अगर उस टंकी में पानी नहीं होगा तो हम सप्लाई आगे कैसे कर पाएंगे, तो वो जिम्मेदारी मैं विभाग को आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहूंगा। एक्शन साहब से भी बात हुई है हमारी और जो रानीवाड़ा में नर्मदा का जो विभाग के जो जेएनएन कर्मचारी गण है उनको भी आपके मैं इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी पूरा इस ध्यान दें क्योंकि आगे गर्मियों का सीजन आ रहा है और सबसे थोड़ी विनम्रता ये है कि हमारे चारों गांव में पानी की समस्या, लोकल स्रोत नहीं है हमारे पास, हम ट्यूबवेल भी बनाने की है रखते लेकिन यहाँ पे डार्क जोन होने के कारण यहाँ पे पानी है नहीं, तो वो भी हमारे पास कोई स्रोत नहीं है। पूरा का पूरा मेरी पंचायत सिर्फ नर्मदा पानी पर आधारित है जो हमारी समस्याओं को थोड़ा गर्मी को ध्यान रखते हुए सॉल्व किया जाए। जी देखो, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण जो ग्राम पंचायत है वो इस मामले को पूरी संज्ञान में ले रहा है पर समस्या ये आ रही है कि पानी की पूरी सप्लाई नहीं हो रही है। तो संबंधित विभाग ने न्यूज के माध्यम से सरपंच साहब ने अवगत करवाया है कि हमें उचित पानी मिले ताकि हम आम जन को राहत दिला सकते। पहले हम ग्रामीणों से भी जान लेंगे कि आज जो पानी की समस्या थी, मैंने रुकाव निजात की, आज हमारे सरपंच साहब और ये मौके पर आए हुए हैं और पानी के बारे में बहुत बढ़िया सरपंच साहब और वीडियो वाला ने अच्छी बात की है, जो दो दिन क्या कहा है और हमारे गांव वाला वापसी को लगाया जिसका निर्णय दो दिन में आप जल्दी से जल्दी तैयार करके हमारे ग्राम में पानी की व्यवस्था करावे। स्कूल में खास करें तो हमारे स्कूल में नहीं है, आज दो तीन से मैं डेली स्कूल में आता हूँ, कल छुट्टी थी, परसों खाना बना नहीं बनाया था, पानी नहीं था, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा मेहरबानी करके नर्मदा का नीर भेजने की कृपा करा। नमस्कार सर, एक मैं युवा से बात करवाऊंगा कि सर ये समस्या क्यों आ रही है।
समस्या का सीधा समाधान आज निकाला गया है। जो भी था पिछले 3-4 दिन से समाधान नहीं हो पाया। पिछले 4 बार सरपंच साहब यहाँ पे आके विजिट गए, अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र वाले इकट्ठे हुए 36 कौम के व्यक्तियों ने ये निर्णय लिया है कि हमारा स्थानीय एक लड़का रखेंगे, वो ही पूरी कामकाज की देखरेख करेगा, उसके निगरानी में पूरा जल वितरण है वो आसानी से पूर्ण किया जाएगा। नमस्कार साथियों, चुनाव को 10 माह है और अभी से समस्याएं शुरू हो चुकी है और देखते हैं कि इस समस्या का समाधान कब तक होता है। जय जवान, जय किसान, जय संविधान।